पहले हम लोग सूत्र देखेंगे। यह जो है आपका घातांक घात का प्रश्न है, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे ए पे पावर एन गुना ए पे पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि अगर यदि आधार, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इस पे जो कि पावर है इसको कहते हैं घात, यानी कि ये जो है कि पावर जो है इसके ऊपर, इसको क्या कहते हैं घात, और इसको कहते हैं आधार, जिसे आप लोग कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर। तो ये बेस यानी आधार हो गया और ये पावर हो गया। अगर यदि ये घात यानी कि आधार, नीचे वाला आधार ऊपर वाला जो माथे पर आएगा उसको क्या कहेंगे, घात यानी पावर। तो ये अगर सम अगर यदि बहुत सारा रहे, जैसे ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना, ऐसे बहुत सारा रहे, अगर हम इतना सा लेते हैं तो ये जो है कि सबके पावर नहीं, कुछ तो एक 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 छुपा रहता है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि वन प्लस वन प्लस वन क्या हुआ, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन प्लस चार, तो कितना हो जाएगा ये एक दो तीन चार जुड़ जाएगा, यानी कि ए पे पावर चार, इसके बराबर आप ए पे पावर चार लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि पावर क्या हो रहा है, तब यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, एन प्लस एम जुट रहा है, यानी कि अगर आधार समान रहे तो पावर जुट जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक समझ गए, अब दूसरा देखिए, अगर यदि ए पे पावर एन है और बी पे पावर एन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ए बटे बी पे पावर होल एन कर देंगे, ये हो गया आपका। और दोस्तों एक है, अगर यदि ए पे पावर जो है कि एम है और फिर बटे में जो है कि ए पे पावर एन है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी अब की बार तो पावर समान नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी ए पे पावर आपका एम माइनस एन, यानी कि नीचे वाला पावर जाकर के ऊपर में घट सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बी पे पावर एन बटे बी पे पावर एम, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एन भागा बी पे पावर एम, ये भी हो सकता है। और इसका क्या हो जाएगा, यानी बी पे पावर एन माइनस एम हो जाएगा। ये दोनों सूत्र एक के है, तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर यदि पावर वो समान है और आधार एक समान है और बटे में, तो ऊपर जाकर के क्या होता है, घट जाता है अगर भागा में रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये भी आप समझ गए, ये दोनों एक के था। अब अगला है आपका, अगर यदि ए पे पावर एन और ब्रैकेट ऑफ और एम रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी ये गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि ए पे पावर एन गुना एम हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक होता है दोस्तों, क्या होता है, अगर यदि किसी ए पे, यानी कि किसी पे पावर जीरो है, तो उसका मान एक हो जाएगा, या पांच पे जीरो है तो एक हो जाएगा, किसी पर भी पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा एक ही होगा। तो अब दोस्तों इसको इतना सा उतार लीजिए आप आगे, और हम बताएंगे इस पे। तो दोस्तों अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो उतार लीजिए, अगर नहीं बैठे हैं तो भी उतार लीजिए कॉपी कलम ला करके। तो अब हम आगे इसका बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक दो सूत्र है, जैसे कि ए पे पावर माइनस एन, तो इसका हो जाएगा ये माइनस के चलते एक हो जाता है, और इस पे पावर क्या हो जाएगा आपका एन। जैसे कि आपका दो पे पावर जो है कि माइनस थ्री है, तो ये हो जाएगा आपका एक बटे दो पे पावर थ्री, और ये हो जाएगा आपका एक बटे आठ, क्योंकि दो का क्यों आठ होता है। तो इस तरह से ये हो गया। और दोस्तों अगर यदि यानी कि बी पे पावर एम गुना ए पे पावर एम है, तो इसका हो जाए, यानी कि पावर समान मिल रहा है और ये जो है कि अलग अलग है, यानी ए बी है और ए है, तो इसका हो जाएगा बी गुना ए पे पावर एम, ये हो जाएगा। अगर यदि आपको जैसे कि ए पे पावर यानी कि एम है बटे बी पे पावर एम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहे तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहे तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो यानी कि उल्टा चलते रहेगा। तो और दोस्तों सूत्र है इसमें, और है, और अगर यदि मान लिया जाए दोस्तों कि माइनस एक पर जो है कि आपका सम
सम जो है कि संख्या पावर में है तो इसका मान जो होगा कि हमेशा एक होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि दो पे पावर जो है कि यहाँ पे चार है, यह चार है तो यानी कि दो गुना दो गुना दो गुना माइनस में माइनस दो, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, प्लस माइनस 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 गुना माइनस, यानी कि ये प्लस ही हो गया और दो दोनों चार, चार आठ दोनों सोलह हो गया, यानी कि प्लस में ही होगा। अगर सम पावर है तो प्लस में होगा, और अगर विषम में क्या, अगर अगर विषम में, विषम में संख्या है, विषम में संख्या है तो आपका क्या होगा माइनस एक में होगा। किसी संख्या अगर माइनस पे, माइनस में दिया गया है और उस पे पावर अगर विषम है तो वह माइनस में आएगा, और अगर सम में है तो वह प्लस में आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इस सबको नोट कॉपी में आप कर लीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों अब प्रश्न बनाना शुरू करते हैं।